तो फाइनली आज हम अपना आपको पूरा हाउस टूर देने वाले हैं जर्मनी में। हम तीन दोस्त रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस बंदा ने जिसको निशात जलानी कहते हैं, आप सबको एक और मिक्सर के ब्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत अरसे के वेट के बाद काफ़ी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट भी आ रही थी, बहुत ज़्यादा मैसेज भी आए कि यार रूम टूर हॉस्टल टूर आप दे दो हमें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के पास आईफोन जब तक नहीं आता, हमने नीयत की हुई थी कि हमने नहीं बनाना। तो फाइनली आज हम अपना आपको पूरा हाउस टूर देने वाले हैं जर्मनी में। हम तीन दोस्त रहते हैं और तीनों के एक साथ रूम्स हैं, तो हमारे लिए ये हाउस ही हो गया है। ये सामने हमारी ऊपर आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग है। यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स रहते हैं डिफरेंट नेशनलिटीज़ के, डिफरेंट कंट्रीज़ के। चुप करना। और यहाँ पे कितना हमारा रेंट है और किस तरह से हम लोग यहाँ रहते हैं सारा कुछ हम आपको बताएंगे। इंटरनेट कॉस्ट कितनी हमें ओवरऑल पड़ रही है वीडियो के एंड पे बताऊँगा। अभी फिलहाल आराम से आप हमारा टूर इन्जॉय करें। सामने हमारे एक लेटर बॉक्स है, यहाँ पे आपके सब लेटर्स वगैरह आते हैं, जो भी हमारे आते हैं वो यहाँ पे आते हैं। फिर देन हम यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ जाते हैं। ये हमारे आपका साहब हमारे लिए डोर खोल रहे हैं। सेकेंडली आप यहाँ से 210 दबाऊँगा तो आप अंदर से भी कोई आपके लिए डोर खोल सकता है। अब ये देखें, ये हमारा डोर है और यहाँ से आप अंदर जाते हो। ये हम लोगों का मेन डोर है, यहाँ से हम सबसे पहले इंटर होते हैं। और आगे ज़रा एक दफ़ा मैं आपको पहले पूरा सिनेमैटिक शॉट्स दिखा दूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस जगह पे क्या चीज। तो यार सबसे पहले आप यहाँ से इंटर होते हो जहाँ से मैंने आपको दिखाया, उसके बाद ये दो रूम्स हैं, यहाँ पे आपको दो रूम्स मिलते हैं और उस साइड पे भी दो रूम्स हैं। उस साइड पे हम लोग बाद में जाएंगे, अभी सबसे पहले मैं आपको अपने रूम में लेके जाता हूँ, आए फिर। तो यार जैसे ही आप मेरे रूम में इंटर होते हो, सबसे पहले वहां से सबसे पहले आपको ये चीज नजर आती है। थोड़ा सा आगे लेके ऑफिस साहब, ये देखो ये चीज आपको नजर आती है, ठीक है। इसमें आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हो, इन्होंने हमें अलमारी प्रोवाइड की। अच्छा एक और बात, ये जितनी भी चीजें हैं ना यहाँ पे, ये सब हमें स्टूडेंट वर्क वालों ने प्रोवाइड किया, हमने खुद अभी तक कुछ भी नहीं लिया। तो ये चीज़ वाजह करना इसलिए ज़रूरी है, फर्निश्ड कोई भी रूम मिलता है उसमें ये चीज़ें ऑलरेडी पहले से मौजूद होती हैं। तो यार अभी मैं आपको अपनी अलमारी खोल के दिखाता हूँ इसमें क्या क्या मैंने रखा हुआ है, ठीक है। कोई इतनी स्पेशल चीज़ नहीं है जो मैं आपसे छुपाऊँ। तो सबसे ऊपर आप देखो हमने मेडिसिन रखी हुई है, ठीक है, क्योंकि मेडिसिन हम लोग पाकिस्तान से लेके आए हुए थे। क्योंकि मेडिसिन आप लोग लेके आओ, कोई भी फ्लाइट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं होती है, तो कोशिश करो जितनी भी आप लेके आ सकते हो मेडिसिन लेके आओ। जो भी अगर किसी को कोई बीमारी है, अल्हम्दुलिल्लाह में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग वैसे ही लेके आए फॉर सेफर पर्पस। इधर आप किधर फिरते रहोगे, सर दर्द की भी कोई मसला होगा आपको तो आपको जाना पड़ेगा स्पेशल, जो भी है। तो आप अपनी मेडिसिन लेके आओ, कोशिश करो। उसके बाद ये मेडिसिन की डिटेल लगी हुई है कि कौन सी मेडिसिन है और किस टाइप की मेडिसिन है। नीचे हमारे कपड़े लगे हुए हैं, ये भी हमारे कपड़े लगे हुए हैं। तो ये अलमारी बहुत ज़्यादा काम आती है एज अ स्टूडेंट, तो कोशिश करो फर्निश्ड रूम ही मिले, उन उसमें ये सब कुछ पहले से अवेलेबल होता है। तो यार इस अलमारी के बाद हम लोग चलते हैं स्ट्रेट आ जाओ फसा इधर, ये वाली भी हमारे पास एक अलमारी है जो कि हमें इन्होंने प्रोवाइड की थी स्टूडेंट वर्क वालों ने। यहाँ पे ऊपर मैंने अपनी कैप्स वगैरह रखी हुई है, जिस तरह की कैप्स हों। ये साथ मैंने अपनी की चैन वगैरह रखी हुई है, ये जो की चैन है इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसी दिन हम इस पर बात करेंगे। ये ऊपर हमने स्प्रे रखा हुआ है, ये नीचे मैंने बॉक्सेस रखे हुए हैं, ये मेरा बैग है, गो टू बैग, जब भी मुझे लेके जाना हो इसको पहनता हूँ और चला जाता हूँ। ये कैप पड़ी हुई है, तो खैर ये बड़ी यूजफुल है क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें समेट सकते हो आपको समेट के रखनी चाहिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इस टेबल की। इस टेबल, ये जो टेबल है ये भी हमें इन्होंने प्रोवाइड किया, बड़ा अच्छा टेबल है। इसके ऊपर आप अपना लैपटॉप या पीसी अगर आप लेते हो कुछ भी रख सकते हो। ये चेयर भी हमें इन्होंने रिवॉल्विंग चेयर भी प्रोवाइड की थी, ठीक है, इस पर आप आराम से बैठ के अपना काम वगैरह कर सकते हो। तो ये दोनों बड़ी अच्छी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं। तो यार अभी हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है ये टेबल और साथ में ये वाली चेयर। ये होता है कि अगर आपने कोई भी स्टडी करनी है यहाँ पे आप लैंप वगैरह ला के रख सकते हो। अभी हमारे इनिशियल डेज हैं तो हम लोग कुछ ले के नहीं आए हुए, यहाँ पर आप इस रूम को अच्छी तरह से सजा सकते हो, RGB लाइट्स वगैरह लगा सकते हो। लेकिन हमारे तो अभी इनिशियल डेज, हम लोग कुछ लेके नहीं आए, लेकिन फिर से जब आप मॉडिफाई हाउस टूर देंगे आपको उसमें हम ये सारी चीज़ें हमने लगाई होंगी तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यार उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने बेड की, जो कि ऑब्वियसली इन्होंने ही प्रोवाइड किया हुआ है। उसके साथ हमने ये ब्लैंकेट खुद ली थी, ये लोग इन्हीं प्रोवाइड किया था, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो तकिया है ये भी हमने खुद लिया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ हमने ये आपको ये छोटा टेबल भी आप इनको दिखाओ, ये छोटा टेबल भी उन्होंने प्रोवाइड किया था। इसमें काफ़ी ज़्यादा बॉक्स पड़े हुए जिसमें आप कोई भी अपनी चीज़ रख सकते हो। तो ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सामान हमें प्रोवाइड किया है जिससे हमारा जो कोई भी आप कह सकते हो गंद वगैरह नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें
जो है वो हम लोग अंदर रख देते हैं अलमारी वगैरह में, या फिर ये छोटे बॉक्सेस इन्होंने प्रोवाइड किए हैं इसमें रख देते हैं। उसके बाद यार ये आप खिड़की देख सकते हो, ये इन्होंने प्रोवाइड नहीं की, ये कुदरत का निजाम है, ये इस पूरी बिल्डिंग में इसी तरह है। तो ये काफी ज्यादा अच्छा यहाँ से व्यू मिलता है, आप बाहर से मौसम वगैरह चेक कर सकते हो, सुबह सुबह उठने के बाद काफी ज्यादा आपको फ्रेश फील होता है। और अगर मैं बात करता हूँ इन पेंटिंग्स की, तो ये मैं अपने पाकिस्तान से खुद साथ लेके आया हुआ था, मुझे पता था यहाँ पे दीवारें काफी ज्यादा वाइट वाइट फिकी फिकी होती हैं, तो मैं 2-3 पेंटिंग्स अपने साथ लेके आया हुआ था। ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, तो ये भी मैं साथ ले कोट मैं लिखवा के लेके आया था। इट सीम्स ऑलवेज इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन, और ये यही होता है, जर्मनी का जो प्रोसेस कर रहा है उसको भी पता होगा कि ऑलवेज आपको इम्पॉसिबल सी सिचुएशन लगती है। जिस तरह के पाकिस्तान में जिस तरह के अपॉइंटमेंट्स के हालात हैं, ये बांग्लादेश में बहुत बुरे हालात हैं। इंडियन जो हमारे यहाँ पे फैलो हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे इंडियंस में उस तरह का मसला नहीं है इंडिया में अपॉइंटमेंट्स का, तो आप लोग लकी इनफ हैं। और यार ये मैं एक वाइट बोर्ड लेके आया था, मैं अपना वैसे को डेली की रूटीन वगैरह लिखनी हो तो लिख लेता हूँ, ये मुझे 8 यूरो का पड़ा था। और इसके अलावा मैंने ये थोड़े स्टिकी नोट्स लिखे हैं जिसमें थोड़ी बहुत ही जर्मन लिखी हुई है। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप लेके आ सकते हो, वरना आप लोगों की यार अपनी मर्जी है। उसके बाद यार ये वाला हमारे बुरहान भाई का कमरा है, वो भी कॉल पे लगा हुआ है, उसके रूम है, आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हाफिज साहब का रूम, कि हाफिज साहब का रूम कैसा है। अच्छा, इनका जो रेंट वगैरह है, जितना भी आप ये चीजें हैं ये हम बाद में आराम से बैठ के डिस्कस करते हैं। ये यार हाफिज साहब का रूम है, ठीक है। यहाँ पे इस साइड पे भी 2 रूम्स हैं, एक ये वाला रूम है, ये सामने हमारे वॉशरूम है, और ये सामने एक और रूम है जो अभी तक फ्री है, किसी ने भी नहीं लिया, तो अल्लाह करेगा कोई नहीं लेगा, अगर लेता भी है तो कोई बंदे का पुत्र हो। तो जैसे बिल्कुल मेरा रूम था वैसे ही सेम टू सेम हाफिज साहब का रूम है, इसमें भी हर चीज वही अवेलेबल है जो मेरे रूम में अवेलेबल थी, ठीक है। कोई भी जरा भी बराबर में डिफरेंस नहीं है, जो इसकी लेंथ है वो भी बिल्कुल सेम है, कितनी लेंथ है वो हम बाद में आराम से बात करते हैं, लेकिन बिल्कुल लेंथ वाइज भी ये सेम है। दूसरे जो दोनों रूम्स हैं वो लेंथ वाइज छोटे हैं, मतलब हमारा दोनों का रूम बिल्कुल सेम है, एक्यूरेट है। तो ये यार हाफिज साहब का रूम है, वो सामने विंडो लगी हुई जैसे मेरे रूम में लगी हुई है, बिल्कुल वैसे सेम टू सेम इनका भी रूम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हम लोग देखते हैं। हेलो, हाय बुरहान भाई, कैसे हो? बुरहान भी कैसे हो यार? यार ठीक ठाक, अपनी सुनाओ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। जरा हमारी ऑडियंस को अपना रूम का टूर करो। ये हमारा रूम है माशाल्लाह से, ये हमें एक इन्होंने कबड्डी भी है, फिर ये दूसरी है, इसके अंदर भी हम खुला माल रखा हुआ है सब कुछ। ये हमारे लिए लैपटॉप का टेबल पड़ा हुआ है, इधर किताबें रखी हुई है, मजे है, नीचे दराज है, और ये हमारा बेड है प्यारा सा माशाल्लाह, छोटा था बड़ा था। बुरहान भी आगे चले, और ये देखें, ये हमारे लिए खिड़की भी दी हुई है। असल चीज तो ये है यार प्यारे भाइयों, देखो ये असल चीज है, यहाँ से बाहर का खुला व्यू है, मजे ही मजे हैं। तो बुरहान भाई के कहने का मतलब ये है कि बुरहान भाई फुल मजे लेते हैं यहाँ से बाहर व्यू देखते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। यार मैं कहा थे मेरे रूम की जो विंडो है ना वो थोड़ी साइड पे करके मैंने आपको पहले भी दिखाई है, तो ये बंदा शक कर रहा है मेरे भी, यकीन रखे यहाँ। तो यार ये है बुरहान भाई का पूरा रूम, ये रूम थोड़ा सा हमारे रूम से छोटा है, और इसकी कंप्लीट जो डिटेल है वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बता दूंगा। ये सामने विंडो है, यहाँ से आप बाहर का व्यू एंजॉय करो, जो आपने करना है वो आप करो, यही इन्हीं रूम्स के यही तो मजे हैं कि आपको इन्होंने फुल जो है वो एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड की हुई है, जो भी आप बाहर देखना चाहते हैं। यार लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा किचन, बहुत ही प्यारा हमारा किचन है, मैं आपको थोड़ा सा और वाइड करके बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारा सारे का सारा किचन है, हमारे किचन के तो सारे पैसे हैं यार, मतलब बहुत ही प्यारा किचन है। हम लोग अपना मैक्सिमम टाइम भी यहाँ पे स्पेंड करते हैं, और सिर्फ हम सोने वगैरह के लिए अपने रूम में जाते हैं, कोई काम करना हो, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे अपना टाइम बहुत अच्छा तरीके से गुजारते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि हमने किस तरह से किचन की सेटिंग की हुई है। यार सबसे पहले तो ये हमारा किचन आप देख सकते हो, ठीक है। ये ऊपर आपको सारी की सारी अलमारी इन्होंने दी हुई हैं 4 बंदों के लिहाज से, जो भी आप अपना सामान रखना चाहते हो। ऑब्वियसली हम लोग हैं ही 3 और तीनों हम दोस्त हैं, तो हमारा इतना सामान है नहीं कि हम ये सारी की सारी भर दें। उसके बाद यार ये इन्होंने हमें फॉर कुकिंग के लिए दिया हुआ है, नीचे हमारा ओवन भी है, ठीक है। उसमें अगर आप कोई पिज्जा वगैरह कुछ भी चीज़ गर्म करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ये हमारे बैठने के लिए चेयर्स पड़ी हुई हैं 4 बंदों के लिए, वैसे हम 3 हैं, तो कभी कभी फरहान भाई आ जाते हैं तो वो भी हमें ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ से भी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, ये नीचे भी अलमारीज हैं, ऊपर भी अलमारीज, मतलब वो भी सामने वाली भी अलमारी, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने हमें एरिया प्रोवाइड किया हुआ है अपना सामान वगैरह रखने के लिए। और ये हमारा सामने मेन डोर है, मेन डोर के सामने किचन है, राइट साइड पे हमारे कमरे हैं, लेफ्ट साइड पे हाफिज साहब का कमरा और एक कमरा खाली है। तो यार ये तो था हमारा पूरे का पूरा हाउस टूर, आपने देखा है किस तरह से हमारे रूम्स कितने बड़े बड़े हैं, किचन हमारा कितना अच्छा किचन है। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको ऑलमोस्ट इस स्टेट में इस तरह के एक रूम्स ही मिलते हैं, अगर सिंगल अपार्टमेंट में जाओगे वो छोटे होते हैं, तो बाकियों का तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे जो रूम हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, आप इनको सजा सकते हो, आप इसमें सोफे ला के रख सकते हो। तो यार फाइनली अब हम बात करते हैं कि हमने ये अप्लाई कैसे किया था,
और हम लोग किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और इसका रेंट कितना है, अब हम इस पे बात करते हैं। यार सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग BTU कटबस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे बर्लिन के बिल्कुल पास है। 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं, तो हम लोग वहां पे पढ़ रहे हैं। हमारा कोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये रूम हमने कैसे अप्लाई किया, स्टूडेंटल वर्क एक वेबसाइट है, आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो, वहां पे आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमें रूम्स चाहिए। हम लकी इनफ थे कि हम तीनों को एक साथ रूम मिल गया, क्योंकि बुरान भाई ने उनको ईमेल की कि हम लोग तीन दोस्त यहाँ पे आना चाहते हैं और हम सबको एक साथ रूम चाहिए। आगे से उनका रिप्लाई आया कि भाई आप सब हमको वीजा भेजो और हम आपको तीनों को एक साथ रूम देने की कोशिश करेंगे। हम सब ने एक साथ वीजा भेज दिया। उसके बाद उन्होंने हमें ये 3-4 रूम अपार्टमेंट ऑफर कर दिया, जिसमें 3 रूम हमारे हैं और 1 रूम अभी भी फ्री है। अभी हमें ऑलमोस्ट आए हुए कोई 20-22 दिन हो गए, अभी तक वो फ्री है। अल्लाह करे वो फ्री रहे या फिर किसी बंदे को मिले जो अच्छा बंदा हो। खैर ये तो बात होगी कि हमने यहाँ पे कैसे अप्लाई किया। हाँ एक और बात कि अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में यहाँ पे आ रहे हो जर्मनी में, तो मे बी वो वेबसाइट पे आप सर्च करो, मे बी वो प्रोवाइड करते हो, मे बी वो ना करते हो, लेकिन किसी भी एरिया में आप जा रहे हो तो आप उसकी देख सकते हो कि उस एरिया में कौन से ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि रूम्स वगैरह अवेलेबल करते हैं। तो यार अब हम बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। जो मेरे रूम की कॉस्ट है यार वो है 290 यूरोज। तो 290 यूरोज यार इस छोटे टाउन के लिहाज से थोड़ा सा ज्यादा है। आपको यहाँ पे 230-240 में भी रूम मिल जाते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, हमारे रूम अच्छे हैं, बड़े हैं, हम लोग सेटिस्फाई हैं, तो हमें कोई मसला नहीं है थोड़े से पैसे ऊपर नीचे देने में। तो मेरे और हाफिज साहब का जो रूम है वो है 36 मीटर स्क्वेयर। ये आपने याद रखना है कि जब भी आप जर्नी में आते हो, आपको हमेशा जब कोई रूम ऑफर होता है तो वो 36 मीटर स्क्वेयर इस तरह के नाम से होता है, 20 मीटर स्क्वेयर। तो ये आप अंदाजा खुद से लगाना और देखना कि कॉन्ट्रैक्ट पे क्या लिखा हुआ है। हमें ऑफर हुआ था 36 मीटर स्क्वेयर, मुझे और हाफिज साहब को, हम दोनों की जो प्राइस है वो है 290 यूरोज। और जो हमारे बुरान भाई हैं उनका जो रूम है वो 28 मीटर स्क्वायर है। तो 28 मीटर स्क्वायर की जो उनकी वैल्यू थी, कॉस्ट थी, वो उनको पड़ी है 255 यूरो। तो यहाँ पे जो आपको रेंट होता है वो सिटी टू सिटी भी वैरी करता है और साथ में कितनी आपकी लेंथ है अपने रूम की उस लिहाज से भी वैरी करता है। तो ये था कंप्लीट, आपको मैंने टूर दिया, उसके बाद मैंने आपको सारी डिटेल भी बता दी आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। होपफुली आज का टूर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। मुझे पता है कि ये वीडियो मैं बहुत ज्यादा लेट अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि आईफोन आए तो इस वीडियो को मैं अपलोड करूं, क्योंकि ये जब मैं पाकिस्तान में हुआ करता था तो मैं सोचा करता था कि मैं एक बड़ा अच्छा सा रिव्यू दूंगा अपने रूम टूर का। और अल्हम्दुलिल्लाह ड्रीम कम ट्रू, मैंने आज अपना रूम टूर जो भी था हाउस टूर वो सारा कुछ दे दिया। तो यार हाउस टूर तो कंप्लीट हो चुका है, अभी हम डेली का अपना काम वगैरह करते हैं। आज है सैटरडे, सैटरडे को यहाँ पे आपको पता है कि सैटरडे को यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता, बहुत कम शॉप्स ओपन होती है। सैटरडे को फिर भी ओपन होती है, लेकिन संडे को अल्लाह माफ करे भाई, यहाँ पे तो आपको बंदा क्या कुछ भी नजर नहीं आता रोड पे, किसी भी जगह पे कोई बंदा भी आपको एक बार नजर नहीं आता। तो ये लोग सैटरडे संडे को बहुत ज्यादा रेस्ट करना पसंद करते हैं। अभी हो चुकी है शाम, अभी हम बस अपना खाना वगैरह बना रहे हैं। सुबह हमने हाउस टूर कंप्लीट किया, उसके बाद हम थोड़ी रेस्ट वगैरह करना शुरू हो गए, जो हमें काम वगैरह करने होते हैं वो सारे हमने कम्प्लीट किए। अभी आज हम बस चिकन बना रहे हैं, हमारे बुरहान भाई चिकन बना रहे हैं और साथ में हमारे फरहान भाई बैठे हुए हैं वहाँ पे, और बस चिकन मैं आपको दिखाता हूँ कैसा बना है। तो यार जर्मनी में टाइम हो रहा है 10:53 और अभी मैं और हाफिज साहब बैठ के कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। तो यार आज का व्लॉग इतना ही, होपफुली आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ये व्लॉग मैंने बहुत पहले बनाना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं बना सका, क्योंकि मुझे था कि चलो मोबाइल आएगा तो अच्छी क्वालिटी में आपको हाउस टूर देते हैं हम लोग। तो अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। होपफुली आपसे मिलेंगे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे मेरे मिक्सर बॉयज़ को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।